वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंट योर थिंक में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे शादी कार्ड बनाना, जो कि हम लोग कॉरल ड्रॉ में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगल आ गया है यहाँ पे। उसके बाद इसका साइज हम लोग कर लेते हैं 140 mm बाय 210 mm। ठीक है, ये एक साइज बन गया। सब कार्ड का अलग अलग साइज होता है, ये हम लोग बड़ा फोल्ड का कार्ड जो होता है उसका बना रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो लाइनिंग का मोटाई है यहाँ पे हम लोग आएंगे और इसको कर लेते हैं हम लोग 1.5 लाइन, 1.5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये मैंने कुछ जो इसमें डेकोरेशन के लिए लगाएंगे वो सब यहाँ लेके रखा हुआ है, पहले से रख लिया था। तो सबसे पहले हम लोग कॉर्नर लगा लेते हैं, एक कॉर्नर ले लेते हैं, ये कॉर्नर है, इसको हम लोग घुमा लेते हैं, यहाँ से आके पलट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका एक कॉपी कर लेते हैं डुप्लीकेट, तो कंट्रोल दबा करके इसको यहाँ पे लाएंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। ठीक है, और इसको पलट देंगे, ये हो गया। फिर इसको सेट कर लेते हैं, ये हो गया। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, एक साथ ग्रुप कर लेंगे और फिर इसको हम लोग उठा के नीचे लाएंगे। नीचे ले आए, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और फिर इसको हम लोग यहाँ से मिरर वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक यहाँ से और एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ से लाइन एक लकीर ले लेंगे, इसका लाइन का मोटाई हम लोग कर लेते हैं 1.1, इसको खींच के और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ ले आते हैं, यहाँ ला के मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसी का हम लोग एक डुप्लीकेट कर लेंगे, इसको और अच्छा से मिला लेते हैं। इसको पकड़ के उठा के लाएंगे कंट्रोल दबा करके और यहाँ ला करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। एक बन गया है, एक लकीर यहाँ भी चाहिए। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके और इसको खींच लेंगे, पूरा अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, और इसका पॉइंट कर देते हैं 1 PT। इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल दबा करके उठा के इसको नीचे लाते हैं, राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे पूरा को और यहाँ पे जा करके ग्रुप में ग्रुप कर देते हैं। तो ये एक बन गया। अब क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल डी करके इसको रख लेते हैं इधर। ठीक है, अब इसमें हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। तो सबसे ऊपर में हम लोग लिखते हैं, टेक्स्ट टूल में जाते हैं, उसके बाद फ़ॉन्ट को कर लेते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, शिफ्ट के साथ
ए दबाते हैं, ये बन जाएगा, और फिर लिख देते हैं श्री गणेशाय नमः। इसका फ़ॉन्ट साइज कर लेते हैं हम लोग 16, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, और शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल को पकड़ेंगे और सी प्रेस करेंगे तो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो श्लोक्स है ये मैंने पहले से लिख रखा है, ताकि बहुत बड़ा श्लोक है, इतना लिखना आसान नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग बीच में स्पेस दे देंगे, ताकि यहाँ गणेश जी को रख सकें। यहाँ भी स्पेस बार प्रेस करेंगे और इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे गणेश जी का चित्र। जो भी हम लोग चित्र लगाएंगे सब ब्लैक एंड वाइट होगा, क्योंकि इसका ट्रेसिंग निकालना होगा ट्रेस पेपर पे, तभी ये छप पाएगा। और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ बैठ गया। अब इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं, और रेक्टेंगल पकड़ के सी प्रेस करेंगे, ठीक है, सेंटर में आ गया। अब यहाँ स्वास्तिक ले लेते हैं, स्वास्तिक यहाँ लगा देते हैं, एक स्वास्तिक यहाँ भी डुप्लीकेट करके राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, यहाँ भी लगा दिए, तो स्वास्तिक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हल्का सा, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसके नीचे में सबसे पहले हम लोग वैवाहिक कार्यक्रम लिखते हैं, तो टेक्स्ट टूल लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और फॉन्ट ले लेते हैं, ये हम 630 लिए हैं कुर्तिदेव का, लिखते हैं वैवाहिक कार्यक्रम, ठीक है, ये हो गया। फॉन्ट साइज 24 है, फॉन्ट आपको जितना अच्छा लगे वो रख सकते हैं, ये वाला डिज़ाइन निकाल लिया था मैंने, इसको लगा देते हैं, यहाँ लगा दिया, और इसी को कंट्रोल्स के साथ दबा कर राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और इसको मिरर कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। इसका साइज़ थोड़ा अगर और हम लोग खींच सकते तो खींच लेंगे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे और रेक्टेंगल को पकड़ के सेंटर कर लेंगे, और इसको भी सेंटर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस से एडजस्टमेंट करते जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम लिख लेते हैं, तो कार्यक्रम बहुत ज़्यादा कार्यक्रम रहता है, तो उसको लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम इसका कार्यक्रम को दूसरी जगह से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा कार्यक्रम सब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये वाला, ये 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 ये, ठीक है, कॉपी कर लिया, यहाँ के पेस्ट कर देते हैं, देखिए सारा जो लिखावट है वो सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये कलश है, कलश लगा देना है एकदम सेंटर में, इस यहाँ लगा लिए, एक कलश यहाँ लगा लिए, राइट क्लिक करके छोड़ लेंगे, उसके बाद एक कलश यहाँ लगा लेंगे, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, और एक डिज़ाइन ये वाला है यहाँ रख देंगे। देखिए अगर आपके पास क्लिप आर्ट नहीं होगा तो गूगल से निकाल लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ सब काल्पनिक नाम दिया गया है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ताकि आप किस तरह से शादी का कार्ड का डिज़ाइन कर पाइएगा आसानी से।
इसको इस तरह का शादी कार्ड प्रिंट करने का वीडियो भी मेरे चैनल पे है। अगर आपको स्क्रीन प्रिंटिंग सीखना हो तो भी आप मेरे चैनल पे वीडियो से सीख सकते हैं। ये हो गया, अब हम लोग दूसरा पेज बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक ये वाला जो बजा रहा है इसको कॉपी करके यहाँ ले आते हैं कंट्रोल के साथ, और राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं तो डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको मूव कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ जी करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, अब हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं, पेज प्लस करते हैं और ये वाला जो डिज़ाइन है इसको हम लोग पी प्रेस करके फिर सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये गणेश जी को फिर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट हो जाएगा, उठा के ले आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। ये मंगलम भगवान विष्णु का ये श्लोक है, वो ले आए यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको फिर वैसे ही गैपिंग दे देते हैं ताकि यहाँ पे कलश लगा सकें। ये हो गया, और उसके बाद कलश ले आते हैं यहाँ से, कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आ गए ये कलश, उसके बाद इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं और ये वाला सेलेक्ट करके रेक्टेंगल सी प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वो स्वास्तिक लगा लेते हैं, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं, साइज वही रखेंगे ताकि अलग ना लगे, ठीक है, और सेलेक्ट करके सी प्रेस करते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब हम लोग को लिखना है मैटर, तो हम लोग क्या करेंगे ये फॉन्ट को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ रखते हैं, ठीक है। यहाँ से अब देखिए लिखते हैं, स्नेही स्वजन स्पेस बार से आते हैं, अनुकंपा से, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर इसका हम लोग कंट्रोल के साथ प्रेस करके नीचे लाते हैं, राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, एक कॉपी बन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जैसे लड़का का नाम लिखना है तो चिरंजीवी रवि कुमार, ठीक है, इंटर करते हैं, हो गया, इंटर करते हैं, एवं श्रीमती रानी देवी, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लिख देते हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ये सैंपल के लिए किसी का नाम लिख दे रहे हैं, इसे किसी का नाम ये है नहीं, लेकिन हम बताने के लिए आपको लिख दे रहे हैं। ठीक
रामगढ़, ठीक है, झारखंड, ठीक है, ये एक हो गया। इसको हम लोग सेंटर में कर लेते हैं, सेंटर हो गया। और यहाँ पे ये जो नाम है इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, कुछ अच्छा सा फ़ॉन्ट रख लेंगे, जैसे ये रख लेते हैं अगर, और इसका साइज कर लेते हैं 25, ठीक है। तो ये हो गया, ये लड़का पक्ष का बन गया। अब इसी को हम लोग नीचे ले आते हैं, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और इस तरफ में ले आएंगे। अब लड़की का लिखते हैं, ठीक है, कन्या पक्ष का। तो यहाँ पे लिख देते हैं आयु, आयुष्मती होता है, सोना कुमारी, नहीं सोनी कुमारी। अब यहाँ जितने नंबर में सुपुत्री है प्रथम ही रखते हैं, सुपुत्री राम कुमार सिंह, लक्ष्मी देवी। यहाँ पे वही रख, ये एड्रेस वही रहने दीजिए क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसको लिखने में, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और फ़ॉन्ट ले लेते हैं, हिंदी फ़ॉन्ट ले लेते हैं, के पावन परी मांगलिक बेला में आपके सपरिवार उपस्थिति आशीर्वचनों हेतु हमारा स्नेह स्नेह भरा आमंत्रण, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज कर लेते हैं हम लोग 16, और यहाँ कर लेते हैं सेंटर, ठीक है, ये हो गया। और इसने भरा आमंत्रण का फ़ॉन्ट का साइज हम लोग 20 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा अलग टाइप का लगे, ठीक। इसका फ़ॉन्ट का डिज़ाइन अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे, देखते हैं अगर कुछ दूसरा डिज़ाइन अच्छा लगे तो। हाँ ये भी ठीक लग रहा है, यही रहने देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर दर्शनाभिलाषी लिख लेते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका साइज कर लेते हैं 16, दर्शना विलासी, लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं, जो भी नाम वगैरह होता है, जैसे हम लिखते हैं राम कोमा श्याम, ऐसे ही बताने के लिए। विजय, अजय, शशि, शशि, सोनू, मोहन एवं समस्त सिंह परिवार, ठीक है, ये हो गया, नीचे रख लिए, ठीक है। और इस तरफ में हम लोग यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके
कंट्रोल को दबा के यहाँ लाएंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आकांक्षी। आकांक्षी लिख दिए, नीचे आएंगे और आकांक्षी थे हैं मान के चलिए ये श्री राजकुमार सिंह। तो हम लोग बस यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिए, यह ले आते हैं, पेस्ट कर दिए, सेलेक्ट किए और इसे एंटर कर लिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं। तो ये डोली उठा के हम लोग यहाँ रख लेते हैं, डोली है यहाँ पे, घोड़ा है, घोड़ा और जो दूल्हा होता है वो यहाँ पे रख लिए। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फ़ॉन्ट का साइज़ अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, अगर बड़ा चाहिए होगा तो और बड़ा कर लीजिएगा, अगर छोटा चाहिए तो छोटा कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम 16 तो रखना ही चाहिए क्योंकि प्रिंट पे ठीक आता है। ज़्यादा छोटा करने से भी स्क्रीन प्रिंटिंग में बहुत छोटा महीन दिखता नहीं अच्छा से, या मैटर खोलने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लिफाफा में आते हैं, तो फिर प्लस कर लेते हैं एक। ठीक है, और साइज ले लेते हैं वही साइज, साइज हमारा था, देखिए साइज हमारा था 140 210, वही साइज ले लेते हैं 140 बाई 210। लिफाफा में अलग तरह का डिज़ाइन वगैरह होता है तो उसको नाप करके बनाया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो प्रिंट करने में। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले तो शुभ विवाह यहाँ लगा लेते हैं, देखिए यहाँ पे शुभ विवाह लगा लिए। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग शुभ विवाह का डेट लिखते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये इस तारीख को शुभ विवाह है, तो हम लोग इसको दिनांक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, यहाँ रख के इसको पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, और इसको हम लोग सेलेक्ट करके थोड़ा सा और यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक डिज़ाइन बना लेते हैं। जैसे एक सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले सर्कल को हम लोग ब्लैक कर लेते हैं और ऊपर वाले सर्कल को हम लोग वाइट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और इसका फॉन्ट का ये लाइन जो आउटलाइन होता है उसका साइज रखते हैं हम लोग एक। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं और एक और इसका डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। पहले हम लोग ना इसको और सजा लेते हैं, जैसे ये वाला हम लोग लाएंगे और यहाँ रख देंगे। ठीक है, और फिर कंट्रोल डी करेंगे, एक और रहेगा जो उसको यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा खींच के नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, हल्का सा शिफ्ट दबा के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब नाम लिख लेते हैं, जैसे कि जो नाम था नाम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है ये रवि, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ रख के पेस्ट कर लेते हैं। ये है सोनी, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब रवि को यहाँ रख देते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ये वाला, ज़्यादा खींचा हुआ दिख रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इस दोनों को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ रखते हैं और कंट्रोल डी करते हैं, एक और बन जाएगा, यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इसमें जो है ये रवि को हटा करके सोनी लगा देते हैं।
ये बन गया, ठीक है ये हो गया। और उसके बाद बीच में संग लगाएंगे, ठीक है। तो संग के लिए हम लोग यहाँ पे एक और ऐसा लेंगे, उसको ब्लैक कर देंगे, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी के साथ, और यहाँ लिख देते हैं संग, ठीक है। इसको कर लेते हैं वाइट, शिफ्ट के साथ पेज अप कर लेते हैं ताकि वो पीछे छूट गया है जो, ठीक है। ये हो गया, सेलेक्ट किए और यहाँ पर रख देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जो है ना गणेश जी या कुछ फोटो रहता है तो उस पर चढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा इसको देख के ही बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नाम, लिखने का जगह दे देते हैं, जैसे कि सेवा में श्री ऑब्लिक श्रीमती, इसका फॉन्ट साइज कर लेते हैं हम लोग 16, यहाँ रखते हैं और फ्रीहैंड टूल में जाएंगे और लाइन खींच लेंगे, इसका साइज कर लेते हैं हम लोग 1.5, और इसको उठा के एक और लाते हैं कंट्रोल के साथ और राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, एक और उठा के लाते हैं राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से इसको सटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, प्रेषक लिखेंगे, तो यहाँ पे आते हैं पहले और लिखते हैं प्रेषक जिसके द्वारा कार्ड दिया जा रहा है, प्रेषक, ठीक है। जाते हैं और हम लोग फिर जाते हैं इस वाले और यहाँ से ये सबको उठा के ले आते हैं, ये एक सैंपल की तौर पे बताया जा रहा है, कस्टमर का जो डिमांड रहता है जो वो बता बोलता है वही लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अगर कोई फ़ोन नंबर देना चाहता है तो फ़ोन नंबर दे सकता है, मोबाइल, ठीक है, हम 00 दे देते हैं, ठीक है। ये वाला उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे संग लिखना छूट गया है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे ये गुड्डा गुड्डी है, यहाँ पे संग लिख के रखे हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, देखिए, अगर कोई शायरी वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जगह है, वहाँ पे लिख सकते हैं, या जैसे होता है मेरे चाचू के शादी में आना ये वगैरह, तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हम लिख के दिखा देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, यहाँ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे कोई शायरी अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें इस वाले में यहाँ पे शायरी लिख सकते हैं, ब्लैक कर देते हैं कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ रख करके इसको वाइट कर देते हैं, और इस पर जो भी शायरी वगैरह हाइलाइटेड करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, एक सैंपल के तौर पे आपको बताया गया है। आप इसी तरह कार्ड का डिज़ाइन बनाइए, जो भी कार्ड होता है उसका, जैसे मान के चलिए कि
कोई कार्ड है, ये साइज का कार्ड है तो उससे 20 mm छोटा बनाया। जैसे जैसे कि मान के चलिए कि ये 120 mm बाई 240 mm का है, मान के चलिए ये कार्ड। तो हम लोग इसका जो इसके अंदर का जो मैटर बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग 100 बाई 220 का, 20 mm उससे छोटा बनाते हैं ताकि उसमें आसानी से फिट बैठ जाए। देखिए चारों तरफ से छोटा बनाएंगे ताकि वो ये जैसे ये मान के चलते हैं कि ये मैटर हम लोग बनाए हैं तो ये कार्ड है तो इससे 20 mm हम लोग छोटा बनाते हैं ताकि मैटर कटेगा नहीं किसी भी हालत में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आगे इस तरह का वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है। और अगर ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेंटल लगा हो कि आपके काम लायक है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह से प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग और प्रिंटर के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं, तो आगे भी इस तरह का वीडियो आते रहेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।